हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आज आपको एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे SBI का पिन जनरेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, याद रहे जब भी ऐसा एक लिफाफा डाक द्वारा आपके पास आएगा तो उसमें एक ATM कार्ड निकलेगा। ये एक लेटर होगा जिस पर आपका एड्रेस, नाम वगैरह करा होगा, बैंक का एड्रेस होगा, जिसके नीचे एक यहाँ पर नहीं ATM कार्ड चिपका होगा। और ये एक छोटी सी गाइडलाइंस पासबुक होती है जिसमें उसके रूल्स नियम सब लिखे होते हैं। ये सब हमारे किसी काम का नहीं, इन सभी को हम हटा देंगे अलग। ये SBI का एक कैप आता है जिसमें हम अपना कार्ड रखते हैं। ये हमारा ATM कार्ड है दोस्तों। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों। आइए चलते हैं ATM मशीन की तरफ और सिखाते हैं कि SBI का पिन जनरेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं SBI ATM मशीन की तरफ। दोस्तों याद रहे SBI ATM पे जाने से पहले आपको अपनी पासबुक यानी अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये दो चीज़ों की खास ज़रूरत पड़ती है। ये हमने अपना कार्ड लगा दिया, थोड़ा वेट करेंगे। इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ऑप्शन दोनों में से कोई भी चुन लीजिए। उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। हिंदी इंग्लिश में से आपको जो भी पसंद हो वो भाषा चुन सकते हैं आप। 10 से 99 के बीच में दो डिजिट कोई भी डाल सकते हो, 12, 20, 24, 25। यस करने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना, पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और फिर प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट करेंगे जब तक SMS ना आए। ये हमारी पर्ची आ गई, ये कंप्लीट हो। दोस्तों जब भी हम अपना ATM पिन जनरेशन करते हैं यानी ATM पिन बनाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा मैसेज आता है। ये देखिए, ये मैसेज है डू नॉट शेयर दिस मैसेज, यानी ये मैसेज आपको किसी के पास शेयर नहीं करना है, जिससे नहीं तो आपके खाते को हैक करके आपके रुपए निकाल लेगा कोई। याद रहे आप अपना ATM पिन बनाने के बाद इसमें SMS को फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, ये 4082 ये आपका कोड नहीं है, ये तो ATM के पीछे का है। आपका कोड ये है सिर्फ, आपका कोड ये है 4082 के आगे एज करके लिखा है 1028। ये आपको डालना है, उसके बाद आपका खुल जाएगा। अरे सर बिजी हो थोड़े सा, एक बार आपने वो मेरे करके दिया। दोस्तों मेरे पास SMS आ गया है, अब हम दोबारा से अपने कार्ड को सीधा वैसे ही लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। कोई भी दवा लीजिएगा, थोड़ा वेट करेंगे। हिंदी इंग्लिश में कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, दो अंक डाल दीजिएगा। उसके बाद जो SMS में पिन आया वो डालिएगा यहाँ 777 0। उसके बाद बैंकिंग में जाना, बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद में इस साइड पे आना, पिन चेंज वाले ऑप्शन पे दबा के अब अपना न्यू पिन बना लीजिए कोई सा भी।
दो बार डालेंगे रीएंटर में, बस थोड़ा वेट करेंगे और ये हमारा पिन बनके हो गया तैयार, ये आ गया कंप्लीट।